हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल किसान मशीन में। बहुत सारा मुझे कमेंट आता है कि सर हमने ब्रश कटर में 3/5 ब्लेड लगाया है झाड़ी काटने के लिए या 1/8 ब्लेड लगाया है धान काटने के लिए। प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी मैं मशीन स्टार्ट करता हूँ और एस्केलेटर लेता हूँ तो हमारा मशीन बहुत ज्यादा वाइब्रेशन करती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से 3/5 ब्लेड लगा सकते है। ये देखिए गियर केस असेंबली में यहाँ पर आपको एक होल दिख रहा है, मैं एलेंकी से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये है ब्लेड कवर, ब्लेड कवर में भी देख सकते हैं एक होल है। तो चलिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए मैं ब्लेड कवर को किस तरह से फिट कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी फिट करना है। ब्लेड कवर को आपको मिलाकर लगाना है। ब्लेड कवर में एक होल है और एक होल गियर केस में है। दोनों होल को मिलाने के बाद यहाँ पर आपको 3 एलेंकी बोल्ट लेना है 4 mm का। 3 एलेंकी बोल्ट लेकर आपको 4 mm एलेंकी से फुल टाइट कर देना है। तीनों बोल्ट को आप पहले फंसा लें, किसी एक बोल्ट को आप पहले टाइट ना करें, तीनों को फंसा कर उसके बाद आप तीनों बोल्ट को फुल टाइट करें। ये देखिए ये है हमारे पास लॉक प्लेट, तो सबसे पहले आपको लॉक प्लेट को लगाना है। लॉक प्लेट में भी देख सकते हैं यहाँ पर एक होल है। चलिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए आपको 3 होल में एलिंकी को लगाना है। एक होल ब्लेड कवर में है, दूसरा गियर केस में, तीसरा लॉक प्लेट में है। लॉक प्लेट को आपको इस तरह से लगाना है गियर केस में। लगाने के बाद 4 mm का एलिंकी लेकर आपको इस तरह से लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अब आपको यहाँ पर ब्लेड लगाना है, तो ब्लेड लगाते वक्त आप हमेशा ध्यान रखें। ब्लेड लगाने के बाद आप हाथों से इस तरह से घुमाकर देख ले, लॉक प्लेट में बैठा हुआ होना चाहिए ब्लेड। देखिए अगर ब्लेड सही से लगा हुआ नहीं रहेगा, इस तरह से लॉक प्लेट में चढ़ा हुआ रहेगा, ठीक से लगा हुआ नहीं रहेगा, तो आपका जो मशीन है वो स्टार्ट करके जब भी आप एस्केलेटर लेंगे तो आपका जो मशीन है वो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन करेगा। इसलिए आप जब भी 3/5 ब्लेड लगाएं या 1/8 ब्लेड लगाएं या अदर और कोई भी ब्लेड लगाएं, इस तरह से आप हाथों से घुमाकर चेक कर ले, उसके बाद आप ब्लेड लगाएं। ये है हमारे हाथों में प्रेस प्लेट। प्रेस प्लेट को आप इस तरह से लगाएं जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं किस तरह से लगा रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी लगाना है। अब आपको यहाँ पर ब्लेड शील्ड को लगाना है। ब्लेड शील्ड इस तरह से सीधा करके आप लगाएं, उसके बाद आप लॉक नट को लगाएं। लॉक नट को पहले आप हाथों से फंसा ले, उसके बाद प्लग रेंच लेकर इसे फुल टाइट कर दे। फुल टाइट करने के बाद आप एलिंकी को बाहर निकाल दे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें।